अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चॉकलेट मोगा पोक केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान केक बनता है, सिर्फ इसको मिक्स करके और असेंबल करना होता है। और ये वही रेसिपी है जिसे मैंने चॉकलेट कपकेक्स बनाए थे। अब इसके इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा देती हूँ। ये ड्राई चीज़ों को मैं अभी दिखाऊंगी, मैंने पहले एक साथ मिक्स कर लिया था। ये चीज़ें हैं, ये मैंने मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को सबको मिक्स कर लिया एक साथ। इसकी डिटेल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ये अंडे हैं, कॉफ़ी और ऑयल है, और ये मैंने एक ट्रे को ग्रीस कर लिया। अब मैं बस इसको मिक्स करना शुरू करूंगी। इसमें मैंने ऑयल, कॉफ़ी और इसमें मैंने अंडे डाल दिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक बीटर की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस हाथ से ही मिक्स कर लिया था। और ड्राई चीज़ें जो थी सारी, मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर, उसको मैंने एक साथ मिक्स करके रख लिया है। उसकी जो डिटेल रेसिपी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। अब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई मिक्सर इसमें डाल के मिक्स करते जाएंगे। बहुत आसान केक होता है, इसमें कोई भी चीज़ अलग से एक्स्ट्रा नहीं मिक्स करनी पड़ती। कैंडो और चीनी को अलग से मिक्स करेंगे। इसमें ड्राई मिक्सचर में चीनी, मैदा और कोको पाउडर पहले से मैं मिक्स कर चुकी हूँ। ये वही रेसिपी है जिससे मैंने चॉकलेट कपकेक्स बनाए थे, तो अगर उसकी कोई डिटेल देखना चाहें तो उसमें से भी देख सकते हैं। और इसमें विनेगर भी है, जो वेट चीज़ों में ऑयल, कॉफ़ी और विनेगर है, वाइट विनेगर। और इसमें अंडे भी डाल दिए मैंने। अभी अच्छी तरह से देखें, ये मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसको ट्रे में डाल दूँगी। और अवन को मैंने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया है, और उसी टेम्परेचर पे हम बेक करेंगे। और मैं दोबारा से बता देती हूँ, ये चॉकलेट कपकेक की जो रेसिपी थी उसी रेसिपी से मैंने ये केक बनाया है। तो अगर उसकी पूरी डिटेल रेसिपी देखना चाहें तो वो वाली रेसिपी देख लें, जिसमें मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स अलग अलग से बताए कि वो किस तरह से मिक्स कर लें, ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। लेकिन इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से लिख दूँगी, तो प्रोसेस उसमें से देख लेंगे। मैं ज़रा जल्दी थी, मुझे मैंने बनाना था, तो मैंने बहुत बस एक वीडियो बना ली थी जल्दी से, तो मैंने अलग अलग सारे प्रोसेस उसके नहीं दिखाए। तो उसका पूरा कंप्लीट डिटेल प्रोसेस जो है वो चॉकलेट कपकेक की रेसिपी में है। बस इसको अच्छी तरह से टैप कर देंगे। और मैंने अब इसको बेक होने के लिए रख दिया था। ये बेक हो गया, ये देखें बिल्कुल ये क्लीन निकला। अब इसमें और चीज़ें डालेंगी, वो मैं साथ साथ एक एक स्टेप पे दिखाती जाऊंगी। ये इसको अच्छी तरह से चेक कर लें, सेंटर से भी चेक कर लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात साइड से बन जाता है और सेंटर से नहीं बेक होता है। तो अब इसको, ये पोक केक है तो इसमें मैं सुराख कर लूँगी किसी भी स्पून की मदद से, या ये मेरे पास एग बीटर का बैक वाला साइड है उससे। मैं इसको बहुत बड़े सुराख नहीं करने इसमें, या तो कांटे से कर लें, या इस साइज़ का कोई भी चीज़ हो उससे इसको उसमें सुराख कर लें सारे। और अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। और ये जब केक बेक हो जाए उसके बस 10 मिनट बाद ही हमने ये प्रोसेस करना है। ये मेरे पास चॉकलेट पुडिंग मिक्स है, इंस्टेंट वनीला पुडिंग चॉकलेट पुडिंग मिक्स है, और इसको मैं दूध में मिक्स करके और ये इसके ऊपर डालूँगी। अगर ये इंस्टेंट पुडिंग मिक्स ना हो तो वनीला कस्टर्ड गाढ़ा सा बना के और उसमें चॉकलेट मेल्ट करके डाल दें, तो वही टेक्स्चर बन जाएगा। वैसे ये चीज़ें हर जगह आजकल अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर यहाँ तो इजीली मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अगर अवेलेबल ना हो तो वनीला कस्टर्ड बना के थोड़ा गाढ़ा सा बना के और उसमें चॉकलेट मेल्ट करके डाल दें, तो वही टेक्सचर उसका बन जाएगा। और इसको मैं बहुत देर तक इसको नहीं रखूँगी, वरना ये इसको रखेंगे तो ये थिक हो जाती है। लेकिन अभी हमने इसको केक में डालना है, तो बस अब इसको मिक्स करके मैं केक के ऊपर डाल दूँगी, तो फिर ये सेट हो जाएगी उसके ऊपर ही। बस इसको बहुत देर तक नहीं छोड़ना, ऐसी कंसिस्टेंसी हो इसकी। और अब मैं इसको केक के ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए, अभी डालने में ही थोड़ी सी थिकनेस इसमें आ गई है। तो बेसिकली ये पुडिंग मिक्स है तो ये थिक हो ही जाती है, लेकिन हमने इसको केक के अंदर तक मैंने इसको डालना है, ताकि अंदर तक इसके जो होल्स की हैं उसमें भी चला जाए। बस अब इसको डाल के और स्पैचुला की मदद से इसको स्प्रेड कर दें। और अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। और अब इसका थर्ड प्रोसेस करेंगे।
इसमें किसी पाइपिंग बैग की ज़रूरत नहीं होती, बस सिर्फ चीज़ें इसमें डालनी होती हैं। और ये बहुत मज़े का केक बना था, ये मैंने रमज़ान में बनाया था, इफ्तार मुझे बांटनी थी तो मैंने मीठे की जगह ये केक बना लिया था। तो ये ज़रा बच्चों को खाने में भी अच्छा लगता है, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब इसको सेट होने के लिए मैंने रख दिया था, ये अच्छी तरह से सेट हो गया। और अब इसका मैं दूसरा प्रोसेस दिखाती हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा हमें कोई फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अब क्रीम डालेंगे जो इसकी हम बनाएंगे ऊपर वाली टॉपिंग बनाएंगे। अब ये मेरे पास दूध है और अब इसमें कॉफ़ी में डालूँगी क्रीम और वनीला पुडिंग, इंस्टेंट वनीला पुडिंग मिक्स। ये कूल विप है, ये इंस्टेंट वनीला पुडिंग मिक्स है। और मैं फिर से बता देती हूँ, अगर पुडिंग मिक्स ना हो तो, और ये कॉफ़ी है मेरे पास, अगर पुडिंग मिक्स ना हो तो गाढ़ा सा वनीला कस्टर्ड बना के और उसके बाद फिर उसमें क्रीम शामिल कर देंगे और ये कॉफ़ी। तो इंस्टेंट वनीला पुडिंग की जगह वनीला कस्टर्ड बना लें लेकिन गाढ़ा बनाएं और उसको फिर इसी तरह से यूज़ कर लें। अब मैं ये दूध में मैं ये पुडिंग मिक्स डाल दूँगी। ये मैंने एक पैकेट वनीला पुडिंग लिया है और 2 कप दूध था जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं पुडिंग मिक्स के ऊपर। ये देखें इसका बिल्कुल वनीला कस्टर्ड वाला इसका टेक्सचर बन जाता है। और अब इसमें क्रीम डालेंगे, क्रीम मेरे पास कूल विप है और अगर कूल विप अवेलेबल ना हो तो विपिंग क्रीम को लेके इस तरह के टेक्सचर में इसको विप कर लें, इस तरह इतनी विप कर लें और उसके बाद अच्छी तरह से इसको कस्टर्ड में फोल्ड कर लें। ये मैं पुडिंग में इसको फोल्ड कर रही हूँ अच्छी तरह से। और अब इसको मैं इसमें जब ये मिक्स हो जाएगी तो फिर इसमें कॉफ़ी भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये मोका केक है तो इसमें कॉफ़ी डालेंगे। कॉफ़ी को पानी में मिक्स करके रख लें। ये देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, इंस्टेंट वनीला पुडिंग मिक्स और कूल विप। अब इसमें इस तरह से कॉफ़ी थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे कि इसमें हल्का सा अच्छा सा इसका कलर आ जाए और फ्लेवर भी देख लें। कोई कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहेंगे कि कॉफ़ी का थोड़ा सा इसमें फ़्लेवर आए। अब मैं ये इसके ऊपर डाल दूँगी। और इसको भी बस मिक्स करके फ़ौरन ही डाल देंगे, क्योंकि वनीला पुडिंग मिक्स है तो फिर वो सेट हो जाएगी। तो ज़्यादा इसको हमने देर तक नहीं रखना, बस सारी चीज़ें मिक्स करके और कॉफ़ी भी इतनी मिक्स करें इसमें कि ये आराम से इसका अच्छा सा कलर भी आ जाए और इसका फ़्लेवर भी अच्छा आ जाए। तो वो अपने हिसाब से उसको चख लें कि उसमें और कॉफ़ी का फ़्लेवर आया है कि नहीं आया है। कोई कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बस अब इसको अच्छी तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया था, अब मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी और फिर मैं बाद में इसको सर्व करके दिखाऊँगी। ये देखिए ठंडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डाल दें। मेरे पास ये संडे सॉस थी, मैं वो डाल रही हूँ, लेकिन चॉकलेट और कैरामल सॉस की रेसिपी पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ तो वो वाली डाल लें। लेकिन ये रेडीमेड मेरे पास आइसक्रीम सॉसेस थी तो मैंने वो डाल दिए। तो ये बहुत आसान मीठा है, बस कुछ जगह पे जहाँ आसानी मिल सके वहाँ पर वो चीज़ें यूज़ कर लिया करें, लेकिन इन दोनों सॉसेस की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और अगर ये सॉस ना भी हो तो सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करके तो वो भी इसके ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़े से सिल्वर बॉल्स मैं डाल दूँगी, देखने में वो अच्छी लगती है। तो ये बहुत आसान केक बन जाता है, इसमें अंडे और चीनी को अलग अलग से बीट नहीं करना पड़ता, सारी चीज़ें बस एक साथ मिक्स करके और बेक कर लें और उसके बाद फिर इसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाई थी इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया, वरना तो उसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। इसके ऊपर मैंने ये सिल्वर बॉल्स डाल दिए, देखने में थोड़ी अच्छी लगती है और बहुत इसमें बरकत हो जाती है इस केक में। जैसे कोई वन डिश पार्टी में जा रहे हो या बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी हो या कोई भी टी पार्टी, उसमें इस तरह से बना लें तो एक साथ एक बन जाते हैं। कपकेक्स तो अलग अलग बनाने पड़ते हैं, अलग से डेकोरेट करना पड़ता है उनको, तो ये एक साथ एक अच्छी सी एक डिश बन जाती है और उसके फिर पीसेस काट लें तो काफ़ी काम आसान हो जाता है उससे।
तो कभी पॉटलक में जाना हो तो इस तरह के बना लें, और कोई बड़ी गैदरिंग हो तो उसमें इस तरह के डिज़र्ट्स बना लें जो आसान बन जाते हैं, और इसमें बरकत भी बहुत हो जाती है। ये मैंने एक पीस काट लिया, अब मैं दिखाती हूँ इसको। बहुत अंदर से ये मॉइस्ट केक था, बहुत बहुत ही मज़े का बना था ये। और सारी चीज़ें जो हैं वो घर में अवेलेबल होती हैं, तो इसमें जो कॉफ़ी डालते हैं हम, तो उससे बहुत अच्छा इसका मॉइस्ट टेक्सचर इसका बनता है। और इसकी डिटेल रेसिपी जो है केक बनाने की, उसमें से कप केक की जो रेसिपी थी उसमें देख लें। ये मैंने इस तरह के गिलास में इसको मैंने डाल दी, जो मैंने अफ्तार बांटी थी तो इस तरह के गिलास में डाल के मैंने सर्व किया था। तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था ये, और खाने में तो ये लाजवाब था केक। तो इस तरह की रमज़ान में इतने छोटे पोर्शंस ही बहुत होते हैं, और ये कभी टी पार्टी में भी जाना हो बच्चों की, कोई भी गैदरिंग हो तो उसमें इस तरह के ग्लास में डाल के ले जाएं या उनको भेज दें सर्व करें, तो वो अच्छा लगता है। स्मॉल पोर्शंस में कोई भी चीज़ हो तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक ट्रे में एक साथ बहुत अच्छी इसकी अमाउंट बन जाती है, उसके बाद फिर आप उसको किसी तरह भी सर्व कर दें, पेस्ट्री की शेप में काट लें। इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएगा। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैं डिटेल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, और इसका पूरा जो ड्राई चीज़ें मैंने कैसे मिक्स की थी उसकी पूरी डिटेल रेसिपी जो है चॉकलेट कपकेक की रेसिपी जो थी उसमें मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो वाली देख लें। तो इसमें मैंने डिटेल से अलग से नहीं दिखाया था क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी थी, बनाना थे मुझे ये केक बनाना था, तो मैंने अलग अलग सारे स्टेप्स नहीं दिखा सकी मैं। तो ड्राई को मैंने पहले एक साथ मिक्स करके रख लिया था, वेट को अलग से मिक्स कर लिया था, और उसके बाद फिर दोनों को एक साथ कंबाइन करके और उसको बेक कर लिया था। तो ये 8 से 10 दिन तक फ्रिज में बिल्कुल ये केक ठीक रहता है, वैसे इतने दिन तक ये बचता नहीं है केक, तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। और इसको फ्रिज में ही रखेंगे, और ठंडा हो तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएगा, और इसका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा था और आसान भी बन जाता है, इतनी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और कोई इसमें फ्रॉस्टिंग की भी अलग से ज़रूरत नहीं कि पाइपिंग बैग में डाल के अलग से इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है, उसमें भी थोड़ी मेहनत लगती है। तो इसमें सिर्फ चीज़ें सिर्फ लेयरिंग करनी है, बनाकर एक के बाद एक के लेयरिंग करनी है और ये केक तैयार हो जाता है। तो इसका बस मैं पीस काट के मैं नहीं दिखा सकती थी, लेकिन ये बहुत अच्छा मॉइस्ट केक बना था, और टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा था, फ्लेवर तो इसका अच्छा था ही। तो इसको बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह पसंद आएगा, और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।